हेलो बच्चों नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपी चैप्टर शुरू कर लिया था और उसकी दो क्लासें हो गई हैं ठीक है ठीके? और हमने उन दो क्लासों में ये पढ़ा कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और एपी कैसे बनाते हैं ठीक है और हमें यह भी पता चल गया था कि आखिरकार ए और डी से किस तरीके से एपी बनाया जाएगा और पी में से डी कैसे निकाला जाएगा ये सब हमने सीख लिया था अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पे थे थे और ये पता कर रहे थे कि आखिरकार कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बात किस पे डिपेंड करती है? तो ये बात हमने पता की थी कि डिपेंड करना किसके ऊपर निर्भर रहता है किसके बाद ये डिपेंडेंसी है ये किसके ऊपर होती है तो ये होती है बच्चों कॉमन डिफरेंस के ऊपर अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होगा कॉमन सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसे एक दो क्वेश्चन लेता हूं मैं ठीक है जैसे बच्चों मान लीजिए आपको ये एक सीरीज दी है माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस टू और टू कह रहा आपके पास ये सीरीज है तो बताइए क्या ये एपी है क्या ये एपी है तो ठीक है जी पता करते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है तो अगर ये एपी है तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं नाउ पहले आप निकालेंगे d1 पहले आप क्या निकालेंगे d1 और d1 निकालते हैं कैसे a2 minus a1 कैसे निकालते हैं a2 minus a1 मतलब d निकालने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं आगे वाले में से पीछे वाला माइनस तो आगे कौन है माइनस का सिक्स नंबर पे कौन है माइनस मतलब पहले नंबर पे कौन है? तो का 10. तो माँणस 6, माँणस, माँणस, प्लस का वैल्यू 10. 10 तो कि कितनी आ गई फोर जी नाउ अब क्या मैं सिर्फ डी वन निकाल के बोल सकता हूं कि ये एपी है? नहीं बोल सकता मुझे एटलीस्ट दो बार कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई कहीं इसके आगे वाला तो डिफर नहीं है तो चलिए चेक करते हैं D2 तो D2 का हमें यानी कि कॉमन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे A3 मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला तो A3 A3 की जगह पे कौन है माइनस टू माइनस और A2 की जगह पे कौन है माइनस सिक्स और अच्छा याद रखना ये बीच वाला माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है और बाकी ये माइनस सिक्स खुद है ठीक है तो माइनस माइनस प्लस का सिक्स सिक्स में से टू गया फोर तो इसका मतलब डी टू भी क्या आ गया फोर इट मीनस डी वन बराबर है डी टू किसके फोर के तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया फोर तो हम कह सकते हैं दिस सीरीज इज दिस इज एन ए पी दिस इज एन ए यह एक ए है यह एक ए है ठीक है जी बच्चों अच्छा अब अगर जब ये ए है तो आपसे बोला गया कि इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालो तो मुझे एक बात बताओ आपको एपी कहां तक दी गई है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म तो आप अगला कौन सा टर्म निकालेंगे अगले चार टर्म निकालेंगे सॉरी अगले तीन टर्म निकालेंगे तो भाई फोर्थ टर्म के बाद आता है फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म के बाद आता है सिक्स टर्म और सिक्स टर्म के बाद आता है सेवंथ टर्म और हम लोगों ने बच्चों अपने बेसिक्स में सीखा है कि जितने नंबर का टर्म होता है उसे ओपन करके क्या लिखते हैं कम डी याद आया जितने नंबर का टर्म है उसे क्या लिखेंगे ए कम डी यही सीखा था हमने ठीक है अच्छा अब बात आती है ए ए कौन है फर्स्ट टर्म है ए कौन है फर्स्ट टर्म है ये हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में सीख रखा है जब बच्चों ए फर्स्ट टर्म है तो यानी फर्स्ट टर्म कौन हुआ जो सबसे आगे होता है तो सबसे आगे कौन है माइनस का टेन तो यानी हमारे पास ए आ गया माइनस का टेन और डी आ गया हमारे पास कितना अभी अभी निकाला है फोर तो ये आ जाएगा माइनस टेन सिक्सटीन और ये आ जाएगा सिक्स फिर यहां पे भी ऐसे माइनस टेन फाइव डी की जगह पे क्या फोर माइनस टेन ट्वेंटी टेन फिर इसी तरह यहां पे भी माइनस टेन फोर माइनस टेन ट्वेंटी फोर फोर्टीन क्लियर हुआ था को? करो ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आपने यह कर लिया होगा अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो हाँ जी तो बच्चों ये नोट कर लिया होगा अब देखो ये मैं सोचना मैं क्वेश्चन नंबर पांच छुड़वा रहा हूं अभी छुड़वा नहीं रहा हूं। उसका अभी पूरा बेसिक करवाऊंगा एक मैं आपको ठीक है रूट वाले के लिए मैं कुछ बेसिक्स करवाऊंगा पहले आपको तो इसलिए पहले बिना रूट वाले सारे निपटा रहा हूं ठीक है सिक्स देखो सिक्स देखो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट टू 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 ठीक है और ये जीरो पॉइंट टू 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 इस तरीके से ये एक सीरीज दी गई है अब आपसे कहा गया है कि बताओ ये एपी है कि नहीं है 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 ठीक है तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है कि नहीं है ये चेक करना है मुझे तो बस सिंपल से कहानी है कि कैसे करेंगे बच्चों नाउ हम पहले निकालेंगे बच्चों d1 क्या निकालेंगे d1 d1 डी वन मतलब क्या हुआ ए टू माइनस ए वन क्या हुआ ए टू माइनस ए वन तो ए टू कितना है जीरो पॉइंट टू टू ठीक है माइनस ए वन कितना है जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू अब बात आती है कि भाई ये जीरो पॉइंट टू टू है जीरो पॉइंट टू है तो यहाँ पे दो डेसिमल तक यहां पे सिंगल डेसिमल तक तो हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से एक जीरो ले लेंगे. आपको पता ही है तो इसको तो सिंपली आप लोग माइनस करते हो तो दो में से जीरो गया दो, दो में से दो गया जीरो और जीरो में से जीरो जीरो आंसर आया जीरो पॉइंट जीरो टू तो यानी कि आपका डी वन कितना आ गया जीरो पॉइंट तो जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो टू नाउ अब किसकी बारी है D2, A3 एस ए टू एस ए टू तो ए थ्री कितना है ए थ्री आपके तीसरे नंबर का जीरो पॉइंट टू 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 माइनस ए टू कितना है जीरो पॉइंट टू टू अब आपको पता है ये तीन डेसिमल तक ये दो डेसिमल तक तो दोनों को बराबर करना है तो एक जीरो लगा देंगे तो करके देख लो क्या बराबर आ रहा है क्या बराबर आ रहा है दो से जीरो क्या? दो, दो में से जीरो जीरो और जीरो, जीरो तो ये कितना आया ये आया जीरो तो क्या आपको क्या अब आप आपको जल्दी बताओ d1 वन बराबर डी लग रहा है जी नहीं लग रहा और जब ये नहीं लग रहा तो दिस इज नॉट एन एपी दिस इज नॉट एन एपी कोई दिक्कत कोई समस्या किसी बच्चे के लिए नहीं ठीक है नोट कीजिए इसको फटाफट नोट कीजिए वीडियो पॉज करके इसके बाद हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन आप कर सकते हैं एट आप कर सकते हैं नाइन हाँ नाइन करा देता हूं नाइन भी कर सकते हो यार टेंथ कराता हूं ठीक है ये ये तो नोट कर लिया होगा टेंथ कराते हैं टेंथ देखो टेंथ है ए टू ए थ्री ए फोर ए ठीक है क्या इसका चक्कर है भाई हमें नहीं पता हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए ठीक है तो छोटी सी बात याद रखना बच्चों आपको क्या बताने जा रहा हूं मैं अगर ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए चल रहा है तो जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार पावर आएगा जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार पावर आएगा बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा उतनी बार पावर आएगा ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी का मतलब हुआ A कितनी बार तीन बार तो ए का क्यूब बी कितनी बार, बार तो सी कितनी बार तीन बार तो तीन का क्यूब समझ रहे हो मल्टीप्लाई में लेकिन अगर कंडीशन आती है ऐसी ए प्लस ए प्लस ए तो यानी जितनी बार ये ए लिखा है प्लस में उतनी बार ए ठीक है यहां पे तीन का मतलब है तीन बार ए समझ रहे हो एक दो तीन कितनी बार ए तीन बार ए अगर मैं लिख रहा हूं बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी तो कितनी बार बी चार बार बी तो चार बार बी ठीक है ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस सी तो क्या होगा आंसर एक और दो दो बार ए एक और दो दो बार बी एक दो तीन तीन बार सी इस तरीके से समझ रहे हो तो बस यहाँ पे भी यही करना है बच्चों ठीक है याद रखना जब भी ये ए बी सी दिखाई देना इसके आगे के नंबर को हमेशा पढ़ो बार इतनी बार दो ए दो बार ए दस ए दस बार ए पचास बी पचास बार बी इस तरीके से पढ़ो तो कभी भूलोगे नहीं अब जैसे इसको लो डी वन डी वन सॉल्व करना है तो ए टू माइनस ए वन ए टू मतलब टू ए वन मतलब ए दो ए में से ए गया ए तो डी वन की वैल्यू कितनी आ गई अब चेक करो, D2. D2 चेक करो करो तो क्या है कितना कितना है 3A 2A और ये कितना आ गया भाई A. तो इसका मतलब क्या हुआ भाई डी वन और डी टू दोनों आपस में कैसे आ गए बराबर तो मेरे हिसाब से अब आप आराम से क्या निकाल लेंगे नेक्स्ट के पांच टर्म वो सॉरी तीन टर्म निकाल लोगे ठीक है नोट करो इसे नोट करो फिर मैं आपको करवाता हूं इलेवेंथ इलेवेंथ करवाता हूं ये कर लो ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन में दिया आपको ए ए का स्क्वायर ए का क्यूब और ए की पावर फोर ठीक है अब आपसे बोला गया कि भाई इसमें आप इसकी ए पी है कि नहीं है आप ये निकालिए ठीक है जी चेक करते हैं नाउ डी वन है हमारे पास ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ए टू कितना है ए का स्क्वायर a1 कितना है a अब भाई ऐसे तो पता नहीं लगा सकते हम क्या करेंगे अब ये देखिए क्या मैं a स्क्वायर को a into a लिख सकता हूं इसके हिसाब से लिख सकता हूं कि नहीं अरे भाई a की पावर तीन का मतलब हुआ तीन बार a को मल्टीप्लाई करो तो जरूर a का स्क्वायर का मतलब क्या है कि a को दो बार मल्टीप्लाई करो तो बस a स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई किया -a अब बात आती है कॉमन की तो कॉमन लेना हर बच्चे को आता है क्या करते हैं ए क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन आ रहा है तो इसमें से एक ए निकाल लिया तो बचा ए के यहाँ पूरा ए कॉमन निकल गया तो बचा बच्चा वन तो यानी कि डी आ गया ना अब क्या निकालेंगे डी टू ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री कितना है ए का क्यूब ए टू कितना है ए का स्क्वायर अब बताओ क्या मैं ए क्यूब को ए इंटू ए इंटू ए लिख सकता हूं और ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूं कॉमन निकालो एक बार ए तो कॉमन आ ही रहा है और दूसरी बार भी ए कॉमन आ रहा है सही बात है तो क्या बचा A, और ये तो पूरा निकल गया माइनस वन ए माइनस वन टू की वैल्यू ये ये आई तो क्या ये मैच कर रही है नहीं कर रही ए माइनस वन ए माइनस वन ए ए स्क्वायर ये तो डिफर हो गया तो इसका मतलब डी वन बराबर नहीं है डी टू यानी दिस इज नॉट एन ए पी यह एक समांतर श्रेणी नहीं है नोट कीजिए चलिए हो गए नोट अब हम करते हैं फोर्टींथ और फिफ्टींथ मिटा रहा हूं फोर्टींथ और फिफ्टींथ उसके बाद सारे रूट वाले वो करेंगे फोर्टींथ फोर्टीन क्वेश्चन आपको दिया है एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पांच का स्क्वायर सात का स्क्वायर ठीक है एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पांच का स्क्वायर सात का स्क्वायर ठीक है तो कैसे करेंगे इसे जरा ध्यान से देखना पहले से ना आप वन के स्क्वायर को वन लिख लो तीन के स्क्वायर को नौ लिख लो पांच के स्क्वायर को पच्चीस लिख लो सात के स्क्वायर को उनचास लिख लो अब चेक करो ना डी वन तो ए टू माइनस ए वन ए टू कितना नौ माइनस ए तो कितना आ गया आठ नाव अब क्या करेंगे आप D2 टू मीन्स ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री कितना पच्चीस माइनस नो मतलब सोलह तो D2 कितना आ गया आपके पास सिक्सटीन तो क्या दोनों बराबर हुए नहीं हुए तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि D1 वन बराबर नॉट डी टू इट मीनस दिस इज नॉट एन ए अब देखो पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह में तो कहा है ए का स्क्वायर पांच का स्क्वायर सात का स्क्वायर तिहत्तर यानी सेवेंटी थ्री अब कह रहा बताओ एपी है कि नहीं तो इसको भी लिख लो सही से एक का स्क्वायर एक पांच का पच्चीस इसका फोर्टी नाइन इसका सेवेंटी थ्री ये आ गया ना अब क्या है डी वन ए टू माइनस ए वन पच्चीस माइनस एक बराबर चौबीस ना डी टू ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री कितना फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव आंसर ट्वेंटी फोर तो डी टू कितना आ गया ट्वेंटी फोर तो दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है बच्चों? एपी है और एपी है तो बाकी के नेक्स्ट थ्री टर्म्स आप खुद निकाल सकते हैं जल्दी से नोट कीजिए फटाफट फड़, फिर मैं रूट वाली कुछ कहानियों पे आगे ठीक है? और रूट वाले क्वेश्चन खत्म कराऊंगा जल्दी से कर लो चलिए नोट कर लिया होगा अब आपने ठीक है वीडियो पॉज करके बस नोट कर लिया करो उसके बाद आगे देखो ठीक है जी अब हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों क्या अब हम शुरू करते हैं कि रूट की कहानी क्या है बहुत बच्चों को मैंने देखा है रूट के अंदर गलती करते हुए जबकि रूट के अंदर गलती करने की संभावनाएं है होती हैं जीरो ठीक है तो लीजिए क्या है अब मैंने अभी क्या बताया था किसी भी चीज को जब देखो तो उसको यह पढ़ो कि वो कितनी बार दिखाई दे रहा है जरा देखना देखना ध्यान से देखना। ये आपके पास वन प्लस वन। तो तो बेधड़क टू लिख दोगे ठीक है लेकिन इसको देखने का एक नजरिया और है आपके सामने इसको देखने का एक नजरिया और है उस नजरिए को क्या कहेंगे हम ऐसे कितनी बार वन दिखाई दे रहा है एक बार कितनी बार वन दिखाई दे रहा है एक बार तो एक बार और ये कितनी बार दूसरी बार कितनी बार एक दिखाई दे रहा है एक बार और दो बार तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं दो बार एक क्या लिख सकता हूं दो बार एक पांच प्लस पांच प्लस पांच हम हर कोई जानते पंद्रह आंसर है लेकिन क्या मैं इसको एक लिखने का तरीका ऐसा बोल सकता हूं एक बार पांच दो बार पांच तीन बार पांच तीन बार पांच देखो तब भी तो पंद्रह आ रहा है आ रहा है कि नहीं अच्छा अगर आपके सामने आ रहा है सात प्लस सात प्लस सात प्लस सात तो क्या मुझे पता भाई सात 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 और ये कितना हो ट्वेंटी एट हो जाएंगे जोड़कर लेकिन अगर आप इसे लिख दो एक बार सात दो बार सात तीन बार सात चार बार सात तो क्या मैं इसको चार बार सात नहीं लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं यानी जितनी बार हमें ये दिखाई दे रहा है उतनी बार में से क्या लिख सकता हूं मैं क्या लिख सकता हूं भाई उतनी बार में मल्टीपल करके इसको लिख सकता हूं तो बस इसी तरीके से बच्चों अगर लिखा हुआ है रूट पांच प्लस रूट पांच प्लस रूट पांच तो इसका मतलब पता है क्या होगा इसका मतलब होगा एक बार रूट पांच दो बार रूट पांच तीन बार रूट इट मीन तीन बार रूट क्या हो गया तीन बार रूट अगर मैं लिख रहा हूं रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू तो आप क्या लिखेंगे एक बार दो बार तीन बार चार बार यानी कि चार बार रूट दो चार बार रूट दो इस तरीके से करते हैं समझ में आई बात यानी जितनी बार भी आपको ये दिख जाए बस उतनी बार करके मल्टीपल करके आंसर लिख दीजिए ठीक है अब जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है रूट थ्री मल्टीप्लाई 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 रूट थ्री तो बच्चों याद रखना जब भी रूट का नंबर जब भी रूट का नंबर सेम हो इस बात को चाहे तो लिख लेना रूट का नंबर अगर हो सेम और दोनों के ऊपर क्या लगा हो मतलब रूट हो दोनों पे और अंदर का नंबर क्या हो सेम अंदर का नंबर क्या हो सेम तो अगर अंदर का नंबर सेम है और दोनों के ऊपर रूट है तो बच्चों एक छोटा सा काम करना होता है और उस काम का नाम है क्या बच्चों उस काम का नाम है भाई क्या मल्टीपल करके सेम डिजिट लिखना तो यहाँ पे मल्टीपल करके सेम डिजिट लेकिन रूट के दो नंबर होने चाहिए रूट के दो नंबर होने चाहिए और नंबर भी कैसे होने चाहिए सेम नंबर भी कैसे होने चाहिए सेम तो बस अब देखो अब ऐसी सिचुएशन में अब कहोगे सर आपने तो दो वाला कराया यहां पे छे छे है तो कोई दिक्कत नहीं यार छे है तो क्या हुआ दो दो का पेयर तो बनी रहा है दो दो तो पेयर बनी रहा है तो रूट थ्री रूट थ्री थ्री रूट थ्री रूट थ्री थ्री रूट थ्री रूट थ्री थ्री तो क्या बन जाए तीन तीन नौ तिया सत्ताईस आंसर आ गया अब कहोगे कि सर अगर पेयर नहीं बना तो ले भाई एक और ले लेते हैं हम लो क्या हुआ इसका बना पेयर इसका बना पेयर इसका बना पेयर इसका नहीं बना छोड़ दो भाड़ में जान दो ऐसे रहने दो ये लो तो भाई तीन तीन होती है सत्ताईस इस, इसका हो नहीं रहा पेयर इसको ऐसे लिख देंगे इसका मतलब क्या हुआ सत्ताईस बार रूट थ्री समझ आई बात तो इस तरीके से करते हैं ठीक है अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखो पांच तीन तीन प्लस रूट दो तीन प्लस दो रूट दो तीन प्लस तीन रूट दो अब पूछ रहा है एपी है कि नहीं? ठीक है जी कर देंगे क्या दिक्कत है? Now पहले क्या निकालेंगे? D1, a2 minus a1, a2 कितना है? 3 plus में root 2 bracket जरूर लगाएं। a1 3, अकेला तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 3 plus root 2 minus का 3, 3 से 3 कट गया आंसर root 2, तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई? Root 2. Now अब किसकी बारी d2? a3 minus a2 ए थ्री कितना है ये रहा भाई इसको हम रूट इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्यों क्योंकि डबल पार्ट है इसमें माइनस ए टू कितना है तीन प्लस रूट दो तो भाई इसको भी ब्रैकेट में रखूंगा डबल पार्ट है तो देखो तीन प्लस में दो रूट दो अब होगा क्या अंदर की सारी चीजें प्लस की हैं और यहां की चीज किसकी है माइनस की तो अंदर जब जाएगा तो क्या होगा ये माइनस का थ्री फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस का रूट टू तो थ्री से थ्री कैंसिल अब इसको अपनी नजर से पढ़ो क्या बनेगा ये? भाई टू रूट टू का मतलब है दो बार रूट दो और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो वन है इसके आगे तो रूट टू का मतलब क्या हुआ एक बार रूट दो तो दो बार रूट दो में से एक बार रूट दो माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या एक बार रूट दो क्या बचेगा एक बार रूट दो तो बताओ क्या डी टू भी सेम आ गया इसके हां जी आ गया तो इसका मतलब ये एपी है नोट कर लो इसे जल्दी से नोट करो सभी नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने चलिए तो ये समझ में आ गया अगला देखो बच्चों अब चलो बच्चों अब देखो रूट के दो क्वेश्चन हो रहे हैं एक क्वेश्चन है बारवा और एक क्वेश्चन है तेरवा तो, रूट आठ रूट अठारह और रूट बत्तीस पूछ रहा भाई आपसे कि ए पी है कि नहीं है चलो ठीक है जी चेक करेंगे अब एक बात बताओ मैंने आपको क्या बताया था कि हम रूट के नंबर को प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं माइनस कैसे कर सकते हैं लेकिन जैसे मान लो ये है तीन रूट मान लो ये है छ रूट दो माइनस चार रूट दो तो आंसर क्या आएगा भाई इसको पढ़ो छ बार रूट दो इसको पढ़ो चार बार रूट दो छह बार में से चार बार माइनस हो गया तो बचा कितना दो बार तो आप लिख सकते हो दो बार रूट दो लेकिन बच्चों यहां की कंडीशन समझो पहले यहां की कंडीशन है कि दोनों का रूट कैसा है सेम लेकिन यहां पे क्या किसी का भी रूट सेम है नहीं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए बच्चों ऐसी सिचुएशन में हमें इनका फैक्टर करना चाहिए प्राइम फैक्टर ठीक है तो तो करके देखेंगे भाई रूट टू तो रूट टू ही रहेगा आठ का फैक्टर करके देखो आठ का करो टू टू का करो टू टू का करो वन अब जिसका पेयर बनता जाए उसको बाहर जिसका पेयर ना बने उसको रूट के अंदर टू का पेयर बन गया तो इसका एक टू निकाल के बाहर फेंक दो इस वाले टू का पेयर नहीं बना तो इसको रूट के अंदर रख दो अब आता अठारह अठारह का फैक्टर बनाओ दो से करोगे नौ तीन से करोगे तीन तीन से करोगे एक भाई तीन का फैक्टर बन गया तो एक तीन को बाहर कर दो इसका फैक्ट इसका पेयर नहीं बना तो इसको अंदर रूट दो इसी तरीके से बत्तीस दो से करेंगे सोलह दो से करेंगे आठ दो से करेंगे चार दो से करेंगे दो दो से करेंगे एक भाई इसका और इसका पेयर बन गया तो इसका एक बार दो बाहर निकालो और इसका एक बार दो बाहर निकालो तो दो इंटू दो कितना हुआ चार इस वाले का पेयर बना नहीं तो इसको रूट के अंदर इसको रूट के अंदर समझ में आए चार कहां से आया ये वाला दो यानी इस वाले पेयर का एक दो और इस वाले पेयर का एक दो तो दो इंटू दो चार इसका कोई पेयर नहीं है तो रूट के अंदर ठीक है तो बस इसके बाद की कहानी है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या है भाई इसके बाद की कहानी डी वन D1. D1 कितना है ए टू माइनस ए वन ए टू कितना है टू रूट टू ए वन कितना है रूट टू अब इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे इसका मतलब होता है दो बार रूट टू इसका मतलब होता है एक बार रूट टू दो बार में से एक बार जाएगा तो क्या बचेगा एक बार रूट टू ना अब किसकी बारी डी टू ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री कितना है तीन रूट दो ए टू कितना है टू रूट टू हाँ भाई फिर से कुछ बताने की जरूरत नहीं है दो तीन बार रूट दो दो बार रूट दो तीन बार में से दो बार गया एक बार रूट दो तो ये आपका आ गया d2 रूट दो कोई दिक्कत एपी बना लोगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाँ जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आपका रूट तीन रूट छ रूट नौ और रूट बारह ठीक है अब देखो आप ध्यान से देखो क्या है भाई अगर अब मैं आपको एक कंडीशन समझाऊं बच्चों तो कंडीशन क्या है बच्चों याद रखना रूट ए इंटू रूट बी अब ये कंडीशन बताने जा रहा हूं अभी पहले जो मैंने कंडीशन पढ़ाई थी उसमें क्या था रूट दो थे और दोनों के नंबर भी अंदर के क्या थे सेम तो डिजिट आ गई सेम लेकिन अब की बार अगर दो रूट कि नंबर भी अलग अलग हो दोनों नंबर भी अलग अलग हो तो पता होता क्या है रूट तो एक ही बन जाता है लेकिन दोनों अंदर के डिजिट आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो बस इस तरीके से हमें इनका फैक्टर बनाना होता है जैसे इसको देख लो रूट थ्री तो रूट थ्री रहेगा अब छे है अंडर रूट सिक्स है तो क्या मैं इसको अंडर रूट टू इंटू थ्री लिख सकता हूं जल्दी बोलो छे को दो छे तो लिख ही सकते हैं तो अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ रूट टू इंटू में रूट थ्री रूट टू इंटू में रूट थ्री ठीक है तो इसका क्या कोई भी फर्क पड़ेगा मुझे इस पे, यहां पे, करने पे? कोई भी फर्क पड़ेगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा पढ़वाना चाहते हो पढ़वा लो भाई कोई फर्क नहीं पड़ना ठीक है रूट टू इंटू में रूट थ्री भाई और रूट नो रूट नो का मतलब होता है थ्री इंटू थ्री सही बात है थ्री इंटू थ्री तो इसको अगर सॉल्व भी कर लोगे अगर मान लो अलग अलग करके वैसे तो आपको अच्छे से पता है कि भाई रूट नाइन जो होता है वो थ्री होता है रूट नाइन जो होता है वो क्या होता है थ्री लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूं कि भाई रूट यानी कि नाइन को, रूट नाइन को थ्री इंटू थ्री तो लिख सकते हैं सेपरेट करके रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं तो अगर मैं इसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख भी दू तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अब ये हो गया हमारा क्या भाई रूट बारह और बारह को लिख सकते हैं हम क्या बारह को हम क्या लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री इसको अलग करके क्या रख सकता हूँ रूट फोर इंटू रूट थ्री रूट फोर इंटू रूट थ्री मुझे पता है कि रूट फोर को मैं टू लिख सकता हूं लेकिन चलो अपनी तसल्ली करनी थी हमें तो बस नाउ अब करके देखो डी वन ए टू माइनस ए वन ए टू कितना है रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट थ्री रूट थ्री कॉमन ले लो भाई तो क्या बचेगा रूट टू माइनस वन डी वन ये आ गया नाउ अब क्या करेंगे डी टू डी टू क्या है ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री कितना है रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री क्या कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ रूट थ्री कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा रूट थ्री माइनस रूट टू क्या दोनों सेम आए नहीं आए तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एपी नहीं बनाते ठीक है चलो नोट कर लो फटाफट अच्छा बच्चों अब देखेंगे हमारे पास ना कुछ गधे बच्चे भी हैं मीन्स कहने का मतलब ये कि उनके दिमाग में कोई बात बसती नहीं है कि जितना मर्जी समझा लो वो एक ही बात को फालतू तो में रिपीट कर रहे हैं कुछ है जो हमारे बच्चे अब देखो उन बच्चों को जरा ये समझा लेना चाहिए कि जब पढ़ाया जाए तो उनका ध्यान ना यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए ठीक है घूमने निकल जाते हैं वो ए फाइव का मतलब ए प्लस फोर डी ए कितना है रूट टू फोर डी कितना है रूट टू तो भाई चार बार रूट दो एक बार रूट दो पांच बार रूट टू नहीं हो गया क्या इसी तरह ए सिक्स इसी तरह ए सेवन डाउट भी इतना खतरनाक लेकर आता है जैसे आई का क्वेश्चन हो ¡Chalo! Y dejo. चलो बच्चों देखो तो अब हमने ये सीख लिया आखिरकार किसी एपी को कैसे बनाया जाता है एपी क्या होती है एपी में किस तरीके से डी निकाला जाता है किस तरीके से ए पता पता किया जाता है ये सब कुछ हमने देख लिया और अब हम पता करने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपको एपी के बीच में से कहीं से टर्म निकालने के लिए बोल दे कि भाई आपको एक एपी दी है लेकिन एपी के चार ही टर्म दी है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे को तीसवा बता के दिखाओ थर्टीएथ टर्म बताओ तो आप कहोगे यार दिए चार टर्म है थर्टीएथ कैसे बताऊं ठीक है फिर कोई आया आपसे कह रहा है कि भाई कितने टर्म दिए हुए तुम्हें एपी के कि तुम कह रहे हो कि भाई चार टर्म दिए हैं कह रहा ठीक है चल मुझे भाई फिफ्टीएथ टर्म पचासवा पद निकाल के दिखाओ तो कहोगे यार समझ में नहीं आ रही बात दिए मुझे चार टर्म है मुझसे पचासवा क्यों पूछ रहा है क्या चक्कर है तो वो सारे डाउट भी आज हम खत्म कर देंगे ठीक है तो पहले ये बात समझो कोई भी एपी कोई भी एपी कैसे बनती है फर्स्ट टर्म ए वन सेकेंड टर्म ए टू थर्ड टर्म फोर्थ ए फोर इसी तरीके से अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो मैंने बताया था लास्ट टर्म को हम एन कहते हैं मतलब टर्म. टर्म? टर्म. कौन सा अब इनको ओपन करना शुरू करते हैं अगर हम इसको ओपन करना शुरू करें तो ए को लिखते हैं ए ठीक है इसको लिखते हैं ए प्लस डी इसको लिखते हैं ए प्लस टू डी इसको लिखते हैं a plus 3d मतलब हम क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि जोन से नंबर का टर्म है उससे एक कम d ले रहे हैं तो बस ये कौन से नंबर का टर्म है n नंबर का टर्म है तो n नंबर का टर्म है तो क्या लेंगे a plus में भाई चार था तो तीन कर दिया n है तो क्या कर देंगे n minus 1 मतलब क्या कर रहे हैं हम एक कम d तो बच्चों देखो ना 2 का एक कम 1 3 का एक कम 2 4 का एक कम 3 तो n का एक कम n minus, वन और ये डी तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कोई भी टर्म ठीक है कोई भी एन टर्म यानी किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन डी किसी भी टर्म को एन टर्म को एनी टर्म कोई भी टर्म निकालने का ठीक है कोई भी कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी असल में देखो तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है ये चीज तो मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका हूं मतलब जितने नंबर का टर्म उससे एक कम डी एन नंबर का टर्म तो एन माइनस वन यानी एक कम डी उतारो इसको बच्चों फॉर्मूले को ठीक है अब इस फॉर्मूले के बाद मैं क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज सिर्फ मैं फॉर्मूला ड्राइव करके आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या था अब ये यूज कैसे होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ये यूज कैसे होगा इसकी बात हम कब करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में